Hello everyone. I hope everyone is safe and a very happy new year to all of you. So I'll try to speak in both English and Hindi. But first I'll try to speak in Hindi because many of my subscribers or students who have insisted or they have requested that I should speak in Hindi even, okay? So explaining the chalan and rav rela. Rav bolte hain, rav bolte hain, rav bolte hain, theek hai? तो चलन जो है उसी को रव भी कहते हैं. फिर चलन रेला नहीं होता, रव रेला होता है, रविश वाला रेला. रविश एक टाइप ऑफ चलन ही कहते हैं हिंदी में, ठीक है? तो उस रविश से वो रेला निकलना चाहिए, ठीक है? तो एक बार थोड़ा सा बजा लेते हैं स्लोली. आपने चीज़ देखा होगा बहुत स्लो बजाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? उसलिए रेले हाई स्पीड्स में बजते हैं, या तो विलंबित के लय में गैप फिलअप करने के लिए हमको और जैसे तेरे केटे है धीरे धीरे है वैसे बोलों का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है. सो आई वॉन्ट टू टेल दैट आई फील एंड आई थिंक दैट राव रेला. There are many relas actually, chalan based on this is the most liked rela because it is mostly played in Tintal. And why it is played in Tintal? I feel that it is based on the movement or the chandbazi, you can say, of a tal known as sitar khani. Sitar khani is also termed to be known as sidhar ek khani theka. Sidhar खान, उस्ताद सिदार खान वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली घराना. एज वी इफ यू गो बैक टू द बुक्स वी कैन सी देयर. सो उस्ताद सिदार खान, इट इज़ बिलीव दैट ही मेड दिस ठेका, बट वी शुडंट गेट इन टू हु मेड, हाउ मेनी टाइम्स ही मेड, ओके? सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द सब्जेक्ट. I'll play the Sitar Khani Theka or Sitar Khani. Sitar Khani because I have been told that it was composed by Amir Khusro in order to complement or to give a sangat or accompaniment to the sitar while playing or starting after the vilambit lay. When you start the madhya lay, here it comes, okay? So I'll play the plain theka first with the lehra. See the movement. If I play it at a madhyalaya kind of a tempo,
सो यू ऑब्जर्व दैट द चलन ऑफ सितारखानी ठेका और सितारखानी ताल इज समवेयर सिमिलर टू दिस चलन. ओके सो बिफोर प्लेइंग दिस चलन यू मस्ट ट्राई प्लेइंग द सितारखानी ठेका प्रॉपरली. देन कम्स द चलन और द रविश ऑफ दिस रीला. I have written it down in Hindi, but I'll surely try to write it down in English even on in the description. Okay. तो आप ये देख सकते हैं जिन जिन को हिंदी समझ में आ रहा हो. ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो बहुत दिनों के बाद मैं क्लासेस नहीं कह सकते, एक वीडियो मैं ऑनलाइन डाल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कुर्ता भी पहन रखी है आज. यूजुअली टी शर्ट रहता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक टाइप ऑफ चलन है. जैसे इसमें एक सेकंड में धन्य ने धा धाती ता धन्य ने धा, तो यहाँ स्पेस दिया है ना, वहाँ ग भी यूज़ कर सकते हैं. तो हर एक आर्टिस्ट अपना स्टाइल में चलता है. अमीर हुसैन खान साहब अपने स्टाइल में चलते हैं, पंडित समता प्रसाद जी अपने स्टाइल में बजाते हैं. ठीक है, सबका अपना अपना क्रिएटिविटी है. तो वही है तबला मैं बोल सेम है, लेकिन कैसे कैसे निकालना, निकास कैसे कैसे उसको बढ़त लेना, कैसे कैसे उसमें और आइडिया इंड्यूस करना, वो आर्टिस्ट का काम है. ठीक है, तो बहुत रियाज से होता है, हम लोग जैसे लोग से नहीं होता, तो हम लोग ये फॉलो कर लेना है. ठीक है, तो 1 2 3 ये जो गैप दिया हूँ मैं उसको ध्यान दीजिएगा. तो 1 2 3 धे ते टे धाग धाती दा धिन धिन नाग, 1 2 3 धे ते टे धाग धाती दा धिन धिन नाग, धे ते टे धाग धाती ता धिन धिन ना, ना भी रख सकते हैं, ना ग भी कर सकते हैं एंडिंग में. तो 1 2 3 जो है इनिशियली देखा जाए तो चलन बजाते वक्त भी, ये रविश बजाते वक्त भी, चलन बजाते वक्त भी, वो जो 1 2 3 है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपके, मतलब आप लोग, मतलब कोई बच्चा भी समझ सकता है ये 1 2 3, उसको इजी लगेगा, उसको समझ में आएगा कि इम्प्रोवाइज कर सकते. तो ता 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 धिन धिन ग धाती दा धिन धिन ग धा धिन धिन ग धाती, तो 1 2 3 जो है उसको अच्छा से यूज़ कर सकते हैं आप. और बाकी जो रेला का ब्रेकडाउन है मैं आपको बताता हूँ. आते आते हैं एक बार स्लोली बजाते हैं. ठीक है, का ब्यूटी ही वही है. वो ना खाली का पहला मात्रा को टच करता है जब उसको चलते हैं, ना सम को पहला मात्रा को टच करता है प्रॉपरली, करता है धिन आता है शायद, मेरे को जितना लगता है उतना मैं लिख दिया. धिन यूजुअली पहला मात्रा को हमको एमिट करके चलना है, छोड़ के. सो वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव टू एमिट द फर्स्ट मात्रा ऑफ द भरी इफ यू से एंड द खाली इफ यू से, काउंटिंग 1 2 3 इन ऑर्डर टू गिव अ स्पेस इन ऑर्डर टू स्टार्ट द फर्स्ट बोल ऑफ द चलन. ओके सो 1 2 3 ठीक है. तो ये 1 2 3 छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखिएगा जो जो कहीं पे भी अभी आप रिलेट कर पाएंगे, अभी किसी को रौरेला बजाते वक्त भी आप सुनेंगे तो
आप समझ पाएंगे कि वो एक दो तीन क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है। वही आगे जाके वही वो एक दो तीन जो है ना वहीं पे इनिशियल इम्प्रोवाइजेशंस या तो क्रिएटिविटी होता है। ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यंगस्टर्स हैं वो सुन रहे हैं उनको जानने के लिए, मैं भी यंगस्टर्स ही हूं, ठीक है। तो आपको जो रवरेला है इसके चलन तो मैं आपको लिख दिया हूं यहां, बोल धिन ने धाग धाती तक धिन तिन तिन नाक तिन ने धाग धाती तक धिन तिन नाक धिन धिन ना भी छोड़ सकते हैं, दैट इज अप टू यू। सो द रेला, लेट्स कम टू द रेला, इट इज सेम इन द रेला इवन। इफ यू स्टार्ट द रेला, इफ यू स्टार्ट द चलन विद धिन, देन यू मस्ट स्टार्ट द रेला विद धिन। इट्स नॉट लाइक यू प्ले द रेला विद धिन, नो, you will get caught hold of from the connoisseur of music, okay, or the critics you can say. So if you start with dhin, then your chalan also, the rela also should start with dhin. If you start with dhe, then your rela must also start with dhe, okay. So let's break the rela into three parts. 1, 2, 3 अभी तक है यहाँ, ऐसे देखना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ठीक है। तो ये चीज आप पॉज मार के देख लीजिएगा, ठीक है, ये जो तीन है, ठीक है, देख लीजिए, फिर मैं इसको, मेरे को ऐसे सामने से कैसे पढ़ सकता हूँ, साइड में पढ़ लेते हैं। तो पहला ब्रेक है रेला को, सबसे इजी होता है उसको प्ले करने से पहले उसको ब्रेक करके हम लोग देखें, है ना। जैसे पूरा ब्रेड जो है एक साथ हम लोग थोड़ी खाते हैं, तो उसको काट काट के खाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपका एब्जॉर्बिंग, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एब्जॉर्बिंग पावर, देन यू कैन एब्जॉर्ब इट रियली वेल। आपको उतना समझने का नहीं, बस चलन पकड़ा उसका रेला बना दिया, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए टाइम लगता है, और रेला इसको तोड़ना है तो 1, 2, 3 अभी 1, 2, 3 गिनना नहीं है, पहले ब्रेक्स देना है जो 1, 2, 3 के बाद शुरू होता है। धिन तेरे केटे तक 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 धिन तेरे केटे तक, पहला ब्रेक है धिन तेरे केटे तक तक तेरे केटे। तो यहां क्या हो रहा है, देखिए तक ता हो रहा है, ये पहला ब्रेक, इसी को प्रैक्टिस कीजिए। धिन तेरे केटे तक तक तेरे केटे, ये भी ले सकते हैं तक, ठीक है, ये ठीक है। सेकंड ब्रेक है तक तेरे केटे तक, तक तेरे किटे तक, फिर से ये, ठीक है। फिर थर्ड जो ब्रेक है धिन तेरे किटे तक ता, आई वॉन्ट टू एंश्योर दैट इफ यू आर अप्रोचिंग अ रेला और यू वॉन्ट टू लर्न अ पर्टिकुलर रेला, यू मस्ट break into pieces, means not the writing board but your the composition, you have to divide it into such comfortable playability written form, or you can recite even. So you have to make three divisions, like first one is dhin tere kete tak tak tere kete,
धिन तेरे केटे तक तक तेरे केटे। देन द सेकेंड इज तक तेरे किटे तक। दिस ता इज वेरी इंपॉर्टेंट विच कम्स ऑन द थर्ड बीट। इट हैज टू कम ऑन द थर्ड बीट। इट नॉट हाँ बजा दिया नो। देन द थर्ड ब्रेक इज धिन तेरे किटे तक ता। The places which where I have mentioned as ta, some ustads also play as dha. They do the bhari khali. So it, the first line comes with dha. Then the second line they turn with ta. But according to my experience, whatever I know little much, you should always try to play it initially with using the ta. Then dha comes in the line. तो ये तीन भाग इसको आप कीजिएगा, मैं लिख दूंगा, ये आपको पोस्ट भी कर दूंगा अपना वॉल पे, ठीक है। तो इस चीज तीनों को अगर हम मिलाएंगे एक बार, वन टू थ्री, तो क्या हुआ देखिए, इट एंड्स विद तख्ता। इफ यू जॉइन ऑल दीज ब्रेक्स, वन टू थ्री ब्रेक्स, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ठीक है। इफ यू जॉइन ऑल दीज थ्री ब्रेक्स देन द रेला बिकम्स something like this. One, two, three. One, two, three. The ta appear on the third matra is very important. Another very important topic और एक बहुत महत्व वाला चीज़ है कि जब चलन चल रहा है बायां का वक्त सेम रहता है, बस फिलअप करने के लिए क और घ यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में, ठीक है। द इन द चलन एंड द रेला द बायां वक रिमेन्स सेम। इफ आई प्ले दिस पर्टिकुलर रेला, वन सेकेंड, like this. The basically the groove of the baya. Chalan. The movement of the baya remains same. That's why it is known as rav rela. Okay. Even just the gaps are filled with tere kete, dhere dhere, ta, tin. Okay. If you play the full line. I'll try it much lower. Indra Gritta 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 Gritta
टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, धींद्र करता 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 धींद्र करता करता, वन टू थ्री, ओके, देन द होल रेला बिकम्स when the when you emit that 1 2 3, you have to fill the gaps. You can't play the whole rela as just by emitting the first sum. Okay, so you have to fill the gaps with the initial 1 2 3 are being filled with dha tere kitte tak, dha tere kitte tak, and the takta it ends with tak tere kitte. Okay, if you can see this one written down below this, in this box, you can pause and see. Okay, yeah, so it, the whole thing becomes 1 3 is very beautiful. Very slow, means tough to play at slow spaces. Huh? One second. The whole thing, whole rela. See, I am stressing the ta on the third, or dha on the third. Let's do dynamically. So what is played in the last full length or continuous rela is dha tere kitte tak, dhin tere kitte tak, ta tere kitte tak, tak tak tere kitte tak, dhin tere kitte tak, tak tere kitte. If you read like this, it is very tough, you know. It's like dha tere kitte tak, dhin tere kitte tak, ta tere kitte tak, tak tere kitte tak, dhin tere kitte tak, ta tere kitte tak, dha tere kitte tak, dhin tere kitte tak, ta tere kitte tak, ta tere kitte tak, dhin tere kitte tak, dha tere kitte tak, dhin tere kitte tak, ta tere kitte tak, ta tere kitte tak, dhin tere kitte tak. It is just emitting the movement or the ravish or the chalan of this composition through rela by filling the gaps with tere kitte. Dha tere kitte tak, dhin tere kitte tak, ta tere kitte tak, ta tere kitte tak, dhin tere kitte tak, dha tere kitte tak, ta tere kitte tak, dhin tere kitte tak, ta tere kitte tak, ta tere kitte tak, dhin. And I insist that if you play sitar khani up here on tabla and beside the rela, okay, so this is what concludes my explanation of rav rela. तो ऐसे ही बजता है rav rela. तो जो नीचे का जो बॉक्स है बेसिकली, इसमें जो बोर्ड में लिखा, आप पॉज करके वापस देख लीजिएगा, इसको मैं पोस्ट भी करूँगा. तो ये जो बोल हैं,
भोजन कहते हैं इसको कि रवरेला बजाना टफ है, नहीं, अगर आप चलन समझ जाएंगे तो इसका रेला बजाना भी कोई सा भी, अभी जिसको अंगुष्ठाना भी बजा सकते हैं जब आप ऊंचे लय में हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, आपको पहला मात्रा में एक दो तीन छोड़ना पड़ेगा, उसमें बाद में आप क्रिएटिविटी केक वगैरह सजा सकते हैं उसमें अच्छा से, कैंडल्स वैंडल्स, ठीक है। तो एक एक कंपोजिशन को उस चीज़ का मजा लीजिए, एन्जॉय ईच कंपोजिशन बिफोर रशिंग इट। हाँ, आई हैव टू कलेक्ट मैनी थिंग्स, ओके, सो वर्क ऑन इट, थिंक ऑन इट, एंड होप एवरी वन इज सेफ एंड समथिंग इफ आई हैव मिस्ड प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन कम बैक एंड कम बैक अगेन ऑन दिस एंड टीच नॉट टीच इफ यू से मी वॉट इज मिसिंग देन आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव ऑन दैट बिकॉज यू नो प्रोपागेटिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट यू कैन से टास्क और समथिंग, ओके। इट इज़ वेरी टफ टू प्ले दिस रेला इन स्लो स्पीड्स, सो दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ रेला, बट इन बिटवीन यू कैन ऑल्सो फिल अप विथ मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्ले, आई विल प्ले एट अ वेरी रिजनेबल टेम्पो, सो आई विल कंक्लूड माई दिस पर्टिकुलर यू कैन से चैप्टर और समथिंग वीडियो with a small playing, okay? Now you know. 1, 2, 3. Amir Hossain Khan saab. For having that patience, thank you everyone. For if you play this particular rela, I will be the first one to feel happy about. Okay, thank you very much. कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा, कोई भी अगर मेरे